पॉपुलर शो यानी बिग बॉस का 17 सीजन काफी हिट रहा। इसकी पॉपुलैरिटी के बाद अब फैंस को इस शो के अगले सीजन यानी सीजन 18 का बेसब्री से इंतजार है। इसलिए फैंस की नजरें शो के नेक्स्ट सीजन के कंटेस्टेंट्स पर लगी हुई है। इसी बीच एक नाम सामने आया है और ये नाम कोई और नहीं बल्कि सोशल मीडिया सेंसेशन का है। दरअसल एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर का ये नाम सोशल मीडिया पर छाया है। ये और कोई नहीं बल्कि पूजा शर्मा है जो एक ट्रांसजेंडर कंटेंट क्रिएटर है। ऐसे तो इस पर कोई ऑफिशियल जानकारी भी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले सीजन में पूजा शर्मा अपने फैंस और लोगों के दिलों में जगह बनाने घर में जरूर आएंगी। इसी बीच जब पूजा से सवाल पूछा गया कि क्या उन्हें बिग बॉस 18 के लिए अप्रोच किया गया है, तो इस पर उन्होंने कहा कि समय आने पर लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। उनके जवाब से भी साफ है कि हो सकता है पूजा शर्मा नए सीजन में फैंस के दिलों में जगह बनाने आ रही हो। उनके जवाब के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि पहला नाम पूजा शर्मा का ही होगा। गौरतलब है कि बिग बॉस के इतिहास में कई ट्रांसजेंडर कंटेस्टेंट्स भी आ चुके हैं। बाई कम्युनिटी के लोगों और सेलेब्स ने लोगों का दिल काफी अच्छे से जीता है। देखने वाली बात ये होगी कि सोशल मीडिया के इस दौर में पूजा शर्मा लोगों के दिलों पर कैसी छाप छोड़ जाती है। गौरतलब है कि पूजा शर्मा रेखा एक ट्रांसजेंडर है और सोशल मीडिया पर उन्हें काफी लोग फॉलो करते हैं। लोकल ट्रेन से लेकर किसी भी जगह पर जब पूजा जाती है तो शगुन के तौर पर वो सिर्फ 1 रुपया ही लेती है। उनकी जर्नी भी कुछ इसी तरह स्टार्ट हुई जब वो लोकल ट्रेन में डांस करते हुए वायरल हो गई। वायरल होने के बाद लोगों ने उनके बारे में काफी सर्च किया। सर्च करने से पूजा शर्मा के डांस का हुनर तो लोगों को पसंद आया ही, उनका व्यक्तित्व भी लोगों के बीच काफी छा गया। आज वो सोशल मीडिया स्टार्स में से एक मानी जाती है और बड़े बड़े सेलेब्स के घर उनका आना जाना लगा रहता है।